आइए स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं सर्कल का पार्ट नंबर टू। और यहाँ पर आज हम बात करने जा रहे हैं एसर्शन और रीजंस पर। एसर्शन और रीजन, यहाँ पर दो बातें लिखी हुई होती हैं, दो स्टेटमेंट होते हैं। एक स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट होगा, उसमें कुछ बात लिखी होगी। हमें ये देखना है कि जो उसका रीजन दिया जा रहा है या जो उसकी उसके बारे में बताया गया है, उसका रीजन यही है या नहीं। तो यहाँ दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो आपको एक पहला स्टेटमेंट दिया होगा, एक दूसरा स्टेटमेंट दिया होगा। दूसरा स्टेटमेंट रीजन होता है कि पहला ऐसा क्यों कहा गया है। अगर वो दोनों बातें सही हैं तो हम कहेंगे कि भैया इसका ऑप्शन नंबर, उसमें चार ऑप्शन भी आते हैं ए बी सी डी, आप उनमें से एक कोई ऑप्शन आपको फिल करना होता है कि इसका ए ऑप्शन सही है या बी सही है या सी एस डी। अगर वो चीज़ें सही है, मतलब एसर्शन भी सही है और उसका देने वाला दिया गया रीजन भी सही है, तो हम वहाँ पर ऑप्शन ए को करेक्ट करेंगे। दूसरा है, अगर वो एसर्शन और रीजन जो है ट्रू तो हैं, लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ऑप्शन बी इसका सही है। वहीं अगर तीसरी तरफ बात करें तो एसर्शन तो सही हो लेकिन अगर रीजन गलत है तो हम सी ऑप्शन को टिक करेंगे। और वहीं अगर चौथी बात कही जाए, एसर्शन अगर गलत है और रीजन सही है तो हम ऑप्शन डी को करेक्ट करेंगे। रीजन सही होने पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं आज के पहले एसर्शन रीजन पर। यहाँ पर कहा गया है, स्टेटमेंट फर्स्ट है, एक फिगर आपको दिया गया है और यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं जो कि कैसी हैं, इक्वल, टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, और सेंटर इनका क्या है, ओ। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी ए बी पर परपेंडिकुलर है। और दूसरी बात यहाँ पर बोली गई है, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है सी डी पर, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है सी डी पर, मतलब ये एंगल 90 है और इधर का एंगल भी 90, ये 90, तो ये भी कितना होगा 90। ये आप समझ रहे होंगे लीनियर प्लेयर से, अगर एक तरफ का एंगल 90 तो दूसरा एंगल भी आपको कितना मिल जाएगा, 90। यहाँ ये बोला गया है कि ये एंगल जो है आपका 110 है, अभी सेंटर हो ओपी पर, और पी ओ क्यू आपको दे रखा है 110, तो कह रहे हैं ओ पी क्यू कितना होगा, ओ पी क्यू ये वाला एंगल कितना होगा। तो ये तो बहुत ईजी है भाई साहब, आप देखिए ये ओ पी क्यू जो है, ये ट्राइंगल जो ओ पी क्यू यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, उसमें उसमें जो है, जैसे इन्होंने कहा कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, अगर दो इक्वल कॉर्ड हैं, टू इक्वल कॉर्ड के लिए कहानी होती है, टू इक्वल कॉर्ड आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से ये दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस, सेंटर से ये दोनों कॉर्ड इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, यानी हम कह सकते हैं कि OP और OQ आपस में इक्वल होंगे, जिसमें से ये वाला एंगल इन्होंने 110 दे रखा है और हमसे कहा है कि OPQ बताइए, कितना इजी हो गया भाई साहब। देखिए ये 110 है और ये अगर दोनों साइड बराबर है तो एंगल P और एंगल Q बराबर होंगे। अगर एंगल P और एंगल Q बराबर है तो इसका मतलब ये 110, ये भी x, ये भी x, तो 110 तो ये अकेले है, बाकी x और x मिलके कितना हो रहा है 70 डिग्री। तो अगर हम कहें कि OPQ कितना होगा, यानी अगर 2x हमारे पास 70 डिग्री है, एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी से हम इसको लगा लेंगे, तो x हमें कितना मिल जाएगा 35, तो x कितना आ गया हमारे पास 35, और x ही क्या है हमारे पास, OPQ की वैल्यू 35 है, यानी ये बात तो सही है। दूसरी बात क्या कही गई है, कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यहां पर एक बात छोटी सी और होनी चाहिए, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो बात ये भी सही है, इसी की वजह से हम ये आंसर पा पाए हैं। इसका मतलब इसका एसर्शन भी सही है और दिया गया रीजन भी सही है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास एसर्शन रीजन का है कि अगर टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल आर ईच, सर्कल आर ईच एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, देन ए बी इक्वल टू सी डी। यहां देखिए दो अगर कॉर्ड है, देखें आप इस बात को कि क्या कह रहा है, टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल, मान लीजिए एक कॉर्ड ये है और एक कॉर्ड ये है, ठीक है,
दो कॉर्ड ए बी और सी डी, चलो इनका नाम भी दे देते हैं ए बी सी डी। अच्छा ये सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। लो भाई साहब हो गई 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, तो कह रहे हैं ए बी और सी डी भी बराबर होंगे। बात बिल्कुल सही लिखी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इक्वल कॉर्ड आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और दूसरा पढ़ा था कि इफ टू कॉर्ड्स आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स विल बी इक्वल। तो यहां पर ये बात तो सही है, ट्रू है। रीजन क्या है? टू इक्वल कॉर्ड आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी रीजन भी सही है और असर्शन भी क्या है, सही है। टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल ईच अदर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर भी हम कहेंगे इसका भी ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं असर्शन रीजन में, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए, और ये देखिए ना, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, कितनी जान होगी। ठीक, थोड़ा बहुत दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एसर्शन है कि टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओ ए। यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए मैं फिगर आपको बना देता हूँ, हो सकता है आपका आंसर भी आ गया हो। बताइए कमेंट बॉक्स में, लिखिए कि इसका आंसर ए सही है, पहला ऑप्शन, पहला जो एसर्शन है वो सही है या गलत, जल्दी से लिख दें। टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी, मान लीजिए ये इसका एक सेंटर है, टू कॉर्ड ए बी एंड ए सी, तो दो कॉर्ड ऐसी हैं कि दोनों का एक पॉइंट तो कॉमन है, तो मान लीजिए एक ए बी हो गई, ये कॉर्ड ए सी हो गई, आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ओ ए, ओ ए के अपोजिट साइड में, इस साइड है तो एक इस साइड है, ठीक है ना, आइदर साइड हो गई। अब क्या कह रहे हैं, देन ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी, ओ ए बी इक्वल टू ओ ए सी, ये कह रहे हैं क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे, पहला स्टेटमेंट इनका ये है। तो आप बताइए जरा, क्या ये पहला ऑप्शन इनका सही हो सकता है? यहां पर हम ये कहेंगे ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी। रीजन देखिए, हमारे पास क्या पता है, एक ये साइड पता है जो कि दोनों दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, मतलब अगर हम इन दोनों को इक्वल तो तभी कह पाएंगे ना कि अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर पाए, और इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमारे पास कोई भी क्राइटेरिया जो है, एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए, है ना, ए ए एस, आर एच एस, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो लगना चाहिए। तो देखते हैं क्या कोई क्राइटेरिया इसमें फॉलो होगा। तो ओ ए इक्वल टू ओ ए, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल में बात करें, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ए सी में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, तो हमें मिलेगा कि भाई ओ ए और ओ बी तो बराबर है, ओ ए और ओ बी तो बराबर है, मान लो दोनों में कॉमन हो गई बात, ठीक है। ओ सी और ओ बी भी बराबर है, क्यों बराबर हो सकता है भाई, ये रेडियाई है, चलो ये बात भी सही है। लेकिन तीसरा ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा जिससे हम ये कह पाए कि नहीं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्वेंट है, और जब तक ट्राइंगल कॉन्वेंट नहीं होंगे तब तक ऑब्वियसली हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल नहीं कर पाएंगे। तो पहली बात जो है वो जरूरी नहीं है, एसर्शन इसका हो गया गलत। ठीक, दूसरा देखते हैं रीजन। टू कॉन्ग्रेंट सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स ए एंड बी देन ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डैश बी। ये दूसरी जो बात बोली गई है, या जो दूसरा स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट इससे रिलेटेड तो कोई बात कर ही नहीं रहा है। यहाँ दो कॉन्गेंट सर्कल की बात की कर रहे हैं, चलिए इस बात को भी समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर दो कॉन्गेंट सर्कल है लाइक दिस, मान लीजिए ये आपके पास दो कॉन्गेंट सर्कल है, दो कॉन्गेंट सर्कल है विथ सेंटर ओ एंड ओ डैश, ये लीजिए सेंटर ओ, ये लीजिए सेंटर ओ डैश, इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट ए एंड बी, चलिए ये ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, देन ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डैश बी, ए ओ बी देन ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डैश बी, ए ओ डैश बी। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों के दोनों पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल।
तो भाई साहब एक बात समझिए, अगर ये सर्कल दोनों के दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं तो वैसे ही इनकी रेडियाई बराबर होंगी। इनके रेडियाई क्या होंगी? बराबर तो हम कह सकते हैं कि OA O' A OB और O' B सॉरी OB एंड O' B, ये चारों साइड बराबर हैं। चारों साइड बराबर हैं तो ये एक रोम्बस होगा। अगर चारों साइड बराबर हैं ये एक रोम्बस होगा और रोम्बस के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, देन हेंस प्रूफ की AOB और AO'B बराबर होंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल का मतलब होता है कि इनकी रेडियस क्या है? सेम। तो ये तो सीधा सीधा है, इसका मतलब ये बात तो क्या लिखी है? सही लिखी है, लेकिन यहां आप देख पा रहे हैं कि रीजन सही है लेकिन स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग। तो चेक कर लेना, स्टेटमेंट रॉन्ग होने पर, रीजन सही होने पर कौन सा हमारे पास ऑप्शन था, एक बार चेक कर लेते हैं। रीजन अगर सही है, स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? डी आंसर टिक करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टेटमेंट और रीजन में पूछे जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड हम लोग कर लेते हैं। यहाँ एसर्शन है अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। एक सर्कल आपको दे रखा है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। कैन बी ड्रॉन थ्रू अ 2 पॉइंट A, B सच दैट AB इक्वल टू 6। क्या हम ऐसा कोई सर्कल बना सकते हैं जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और A और B दो पॉइंट लें और उन A और B पॉइंट की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो जाए? क्या हम ये बात कर सकते हैं? क्या हम इस काम को कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको मात्र करना ये है कि एक सर्कल बना सकते हैं। देखिए ये रेडियस इसकी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये रेडियस भी कितनी है? 3 सेंटीमीटर। यहाँ हम एक पॉइंट A, यहाँ एक पॉइंट B लिख सकते हैं, यानी ए बी टोटल कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ऊपर वाली बात ट्रू है, हम इसको फॉलो कर सकते हैं। अब बात आती है रीजन, क्या इसका रीजन ऐसा कुछ हो सकता है? इन फिगर ओ ए 5 है, ये लाइन कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर की। ये लाइन कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, शायद आपको यहाँ पर विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही है। चलिए ये वाली हमने लाइन ले ली कितनी की? 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ए बी 8 है, ये टोटल डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर की है, ठीक है। एंड ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी बात सही है भाई। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बना रहा है। तो कह रहे हैं क्या सी डी 2 होगा? क्या ये डिस्टेंस 2 होगी? तो देखिए ये पूरी डिस्टेंस 5 होगी। अगर हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए कि ओ सी कितनी है, तो हम इस 5 में से ओ सी वाला पार्ट माइनस कर देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखिए ये टोटल अगर 4 है, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये 5 है तो ये राजा भैया 4 हो जाएगी। ये 4 है, ये 5 है, आप याद करो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस, इसको अगर हम x मान लें तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और आप यहाँ से x की वैल्यू इजिली कितनी फाइंड आउट कर लेंगे? 3। तो अगर x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, x की वैल्यू कितनी है? 3, और ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो राजा भैया ये सी डी कितनी होगी? सी डी थी, हाँ सी डी, तो सी डी हो जाएगा हमारे पास 5 - 3 यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी हो गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका भी रीजन सही है, स्टेटमेंट भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है और रीजन भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे कि दोनों सही तो हैं लेकिन रीजन जो दिया गया है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब इस तरीके से मैंने कुछ स्टेटमेंट और रीजन के क्वेश्चन पार्ट 1 जो हमारा चल रहा था उसी में जो हमने थ्योरम्स की थी उनसे रिलेटेड बात की। अब जो है थ्योरम्स का एक दूसरा पार्ट आने वाला है जिसमें हम सेंट्रल एंगल थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है किसी सेमी सर्कल में, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इस तरीके की कुछ थ्योरम्स हैं। ऐसा क्यों बनता है? अब हम कुछ थ्योरम्स पढ़ने जा रहे हैं, उसके बाद आगे के कुछ क्वेश्चंस होंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले ही थ्योरम है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अभी क्वेश्चन क्या क्या रहा है कि अगर आप कोई एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल का ये मान लीजिए सेंटर है। अब द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क से सेंटर पर बनने वाला एंगल, मान लीजिए ये एक हमारे पास आर्क है, आर्क से ही सेंटर पर बनने वाला एंगल। चलिए इस आर्क का नाम हमने क्या लिख दिया, ए बी। ए बी आर्क से सेंटर पर बनने वाला जो एंगल होगा वो डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस बात को भी आप थोड़ा सा एम्फेसाइज कीजिएगा कि रिमेनिंग पार्ट का मतलब वो यहां कहीं पर भी बना हो, बस इस पार्ट में ना बना हो। तो ये जो एंगल है वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के एंगल के डबल के बराबर होता है। कुल मिला के ये कि अगर ये एक्स है तो ये 2x होता है, ये 30 है तो ये 60 होता है, ये 50 है ये एंगल तो ये हमारे पास 100 हो जाता है। बात समझ में आई? तो इस तरीके से ये कुछ बनते हैं एंगल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा आखिरकार होता क्यों है इस पर डिस्कस कर लेते हैं, इस पर क्या कर लेते हैं हम लोग, डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा कि आखिर ऐसा क्यों। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, सी। बड़े आराम से देखिएगा, बहुत इजी होता है। हम क्या करेंगे, देखिए ओ ए और ओ बी बराबर हैं क्योंकि रेडियस है। हमने ओ को सी से ज्वाइन किया और इसको थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया डी। कितना इजी है कि ये अगर देखिए ओ ए ओ बी बराबर है, साथ साथ ये ओ सी भी बराबर होगा क्योंकि ओ ए भी रेडियाई है, ओ बी भी रेडियाई है और ओ सी भी क्या है, रेडियाई है। अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि किसी भी आइसोसेलस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ओ ए और ओ सी बराबर है तो ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल हुआ। आपने सेवेंथ क्लास में एक बात पढ़ी थी कि अगर दो एंगल बराबर हैं, सॉरी एक ट्रायंगल है तो उसका एक्सटीरियर एंगल अंदर के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है। तो ये एंगल जो है वो x प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। सेम अगर मैं इसको y मान लूं तो ये भी y होगा। सेम प्रोसेस, ये साइड बराबर है, एक ट्राइंगल है आइसोसेलस ट्राइंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2y। अब अगर आप इसको चेक करें तो आपको मिलेगा कि AOB जो है वो 2x प्लस 2y है। 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस y। लेकिन x प्लस वाई एक्चुअल में अगर देखा जाए तो x प्लस वाई तो ACB भी है, तो हम क्या लिख देंगे कि भाई जो AOB है वो ट्वाइस x प्लस वाई है, तो ट्वाइस x प्लस वाई किसके बराबर है, ACB के, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हम कह देंगे कि जो सेंट्रल का एंगल होता है वो सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। चलिए नेक्स्ट थ्योरम, अगली जो भी थ्योरम्स हैं वो इसी पर बेस्ड हैं, लगभग इससे मिलती जुलती है, बिना इसके उनका काम चलने वाला नहीं है। तो ये सबसे, ये कह सकते हैं इन थ्योरम्स की हेड है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर भी अगली थ्योरम ही है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एक ही सेगमेंट पर बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं, एक ही सेगमेंट पर बनने वाले एंगल इक्वल होते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक ही सेगमेंट का मतलब। अब मैंने आपको बताया था कि ये दो सेगमेंट होते हैं, एक माइनर और एक मेजर। ये मान लीजिए हमारे पास माइनर सेगमेंट है, इस माइनर सेगमेंट के अलावा जो अब पॉइंट बन रहे हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ ये और ये दो एंगल यहाँ पर इस मेजर सेगमेंट पर बने हुए हैं, इसका नाम मैं ए बी मान लेता हूँ, ये मान लो सी है और ये डी है। तो यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी और ए डी बी इक्वल होंगे, ठीक है।
ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे इक्वल, ये बात हमें प्रूफ करनी है। वैसे होता है डायरेक्टली आगे जाके हम इनका यूज करेंगे, थ्योरम्स का मतलब क्या होता है इनको हम यहाँ पर सीखते हैं और इनका डायरेक्ट क्वेश्चनों में हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये एंगल है, इसका नाम क्या है ओ। अब जैसा कि हमने अभी सेंट्रल एंगल थ्योरम में पढ़ा कि एंगल एओबी जो होगा वो डबल होगा एनी वेयर, सेंटर पर बना एंगल सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। तो यहां पर डबल ऑफ एंगल एसीबी लिख सकते हैं। तो अगर डबल सर्कमफ्रेंस पर बने किसी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पर बने किसी भी एंगल के डबल के बराबर होता है, तो अगर एओबी एसीबी के बराबर है तो भाई साहब ये बात एडीबी के लिए भी तो ट्रूथ होगी। तो टू ए डी बी, दोनों की दोनों बातें ऐसी क्यों हैं? ये है सेंट्रल एंगल थ्योरम की वजह से। अब देखिए इसके एलएचएस पार्ट बराबर है तो ऑब्वियसली इनके आरएचएस पार्ट भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ एसीबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल एडीबी, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। टू से टू कैंसिल, आंसर हैंस प्रूफ। वही यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ड है। और सेमी सर्कल के ऊपर बेस्ड होने के साथ साथ जैसा मैंने कहा कि ये सारी की सारी सेंट्रल एंगल थ्योरम पर ही डिपेंड करती हैं, तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर सेंट्रल एंगल थ्योरम पर बनने वाली एक और थ्योरम की तरफ। अच्छा वो यहाँ पर बोली नहीं गई, चलिए मैं यहीं पर एक और थ्योरम बता देता हूँ आपको कि अगर कोई एक सेमी सर्कल बना हुआ है, एक क्या बना हुआ है सेमी सर्कल, तो किसी भी सेमी सर्कल पर बनने वाला एंगल राइट एंगल होता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए ये हमारे पास एक पूरा सर्कल है। मैं अगर आपसे यहां पर एक बात पूछूं कि इस आर्क से सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना है, तो आप क्या कहेंगे? ये एंगल सर 180 डिग्री है कि नहीं? तो यहां पर हम सेंटर का एंगल कितना फाइंड आउट कर पा रहे हैं, 180 डिग्री। और सेंटर पर बना एंगल सर्कल पर बने एंगल का डबल होता है, तो अगर ये 180 होगा तो ये एंगल ऑब्वियसली कितना होगा, 90 डिग्री। हेंस प्रूव कि अगर ये एक हमारे पास सेमी सर्कल होगा तो ये बनने वाला एंगल 90 होगा। ये ही नहीं, वो एंगल यहां पर भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, क्योंकि अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि एक ही सेगमेंट पर बनने वाले एंगल सारे बराबर होते हैं, तो ये 90 होगा तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है ना? तो सेमी सर्कल पर बना एंगल राइट एंगल होता है। चलिए अगले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अगले थ्योरम है हमारे पास, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट द फोर पॉइंट ऑन द सर्कल दे आर कौन साइडेड। ये कह रहे हैं कि अगर चार पॉइंट ऐसे हैं, सॉरी अगर यहां पर ये बोला जाए कि यहां पर चार पॉइंट हमारे पास कुछ इस तरीके के हैं, इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट है वो दो पॉइंट को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट, ये अगर किन्हीं दो एंगल पर दो एंगल बना रही है और ए बी सी, और वो दोनों के दोनों एंगल क्या है बना, एक लाइन है, लाइन मतलब ये वही मान के चलिए कि सेगमेंट वाली कहानी है कि एक ही सेगमेंट से इधर जो एंगल बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, बराबर बन रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भैया अगर ऐसा बनेगा तो ये प्रूव कीजिए कि ये चारों के चारों पॉइंट सर्कल पर होंगे। अरे भैया मान लेंगे, जैसे ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कंट्राडिक्शन से सॉल्व होते हैं, जैसे हमने कहा चलो मान लिया कि आप सही बोल रहे हो, लेकिन अगर आप सही बोल रहे होते तो ऐसा होना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब आप गलत बोल रहे हो। वही कहानी यहाँ पर है, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक ही तरफ लाइन सेगमेंट के एक तरफ एंगल बन रहे हैं और ये बताना है कि ये चारों के चारों पॉइंट इस सर्कल पर हैं। हम ये मान लेते हैं कि चलो भाई आप कहते हो तो ये मान लिया कि ये जो चौथा पॉइंट है वो सर्कल पर नहीं है, ये सर्कल से बाहर है, ये कोई पॉइंट ई मान लो।
या इसको अंदर भी मान सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पर एफ है जो कि इसके अंदर है। अब आप एक बात समझिए कि ये एक ही सेगमेंट से बनने वाले एंगल हैं। अब हमने मान लिया लेट ई इज अ पॉइंट विच इज आउट ऑफ द सर्कल, जो कि सर्कल के क्या है, बाहर है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एंगल बन रहा है वो बराबर है, ए ई बी के क्या है, बराबर। बट राजा भैया एक बात बताओ, हमने एक बात ये भी तो पढ़ी थी कि एक ही सेगमेंट से बनने वाले एंगल बराबर होते हैं। हमने मान लिया एक पॉइंट डी है जो कि सर्कल पर है, एक पॉइंट डी है जो सर्कल पर है, बट एक बात और हम लिख लेते हैं, ये हमने माना है, ये होता ही नहीं है, ये हमने मान लिया है। चलो आप कह रहे हो तो हम इस बात को मान लेते हैं, बट एंगल ए सी बी जो एंगल ए सी बी है वो ए डी बी के बराबर होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट एक ही सेगमेंट पर बने हुए एंगल है, इसलिए ये बराबर है। अब आप देखिए ACB, ADB, AEB, ठीक। तो यहाँ पर ACB दोनों तरफ आ रहा है, यहाँ पर कुछ अलग अलग आ रहा है। अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होंगे, तो इस तरीके से तो ऐसा हो जाएगा कि भाई AEB की वैल्यू ADB के बराबर आएगी। और भाई साहब एक बात देखिए कि अगर कोई चीज जैसे ऐसे है, ये एंगल छोटा है तो इसके बाद बनने वाला एंगल इससे भी छोटा होगा, इसके बाद का एंगल और भी छोटा होगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट अलग अलग डिस्टेंस पर हो और वो इक्वल एंगल बनाए। ये केवल तब पॉसिबल है जब ई को भी कहाँ होना चाहिए, डी पर। इट्स ओनली पॉसिबल when E is coincide with D. So our assumption is wrong. हमने क्या assume किया था कि मान लिया था कि ये point जो है circle के बाहर है। Assumption is wrong. E is on the E is coincide with D. यानी E कहाँ होना चाहिए, E should be on the circle. हैंस प्रूफ कि ये चारों के चारों पॉइंट क्या होंगे, कोइंसाइड होंगे। ये चारों के चारों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली थ्योरम हमारे पास क्या है, अगली थ्योरम है कि द सम ऑफ इधर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर 180। द सम ऑफ इधर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। ये बात भी बहुत ही आसान है, एक मिनट बस यहाँ पर गौर से देखिएगा, शायद आप भी कहोगे कि सर इतनी जल्दी इसका सॉल्यूशन। देखिए आप समझिए, साइक्लिक का मतलब है कि चार पॉइंट जो है, चारों के चारों पॉइंट सर्कल में चार पॉइंट होते हैं, चार वर्टेक्स होती हैं, चारों के चारों वर्टेक्स अगर सर्कल पर हैं तो ही हम कहेंगे कि ये कौन साइक्लिक सर्कल है। पहली बात तो कौन साइक्लिक का मीनिंग समझिए आप। चलिए अब ये सर्कल कौन साइक्लिक है, इसका मतलब इसके चारों के चारों पॉइंट कहाँ हैं, ऑन द सर्कल है। कहाँ पर है, ऑन द सर्कल। मान लीजिए हमारे पास, इसका नाम लिख लेते हैं हम, ये मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है, ये सर्कल है ए बी सी। सर्कल पे ये चार पॉइंट है ABCD इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हमें यहाँ पर ये होता है, मतलब हम आगे चल के फॉर्मुलेट इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कि B प्लस D का सम 180 होगा या A और C का सम 180 होगा।
बट अभी हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है इस बात को कि एंगल बी और एंगल डी का सम एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होता है, आखिर क्यों? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक बात बताना बेटा, हाँ ध्यान से देखना, ध्यान से। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये पॉइंट ओ, ठीक, मैं आपसे कहूँ ये वाला एंगल जो है ना वो एक्स है, तो आप क्या बताओगे ये एंगल कितना होगा, एओसी कितना होगा? 2x होगा ऑब्वियसली। क्यों 2x होगा भाई? सेंट्रल एंगल होगा। वहीं अगर मैं कह दूं कि ये एंगल बी जो है वो वाई, तो बताइए जरा एओसी भी कितना होगा? अगेन 2y होगा, सेंट्रल एंगल थ्योरम, सही बात है। बट आप एक बात और देखिए कि इस पूरे का सम यानी कि 2x प्लस 2y हमें मिलेगा 360। रीजन, ये एक तरीके का कंप्लीट एंगल है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट एंगल है तो 2 यहां से ले लो आप कॉमन, यहां क्या आ गया 360, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा राजा? 180 डिग्री। और x और y, x क्या है हमारे पास एंगल d है और y क्या है एंगल b, तो x की जगह हम एंगल d लिख देंगे और y की जगह एंगल b लिख देंगे, इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। हाँ ये बात थोड़ी सी शो कर देना कि भाई एंगल d x है और एंगल b क्या मान लिया है हमने, y, ठीक है ना, बड़ी इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगली थ्योरम पर। अगली थ्योरम क्या है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगली क्वेश्चन है, अगला जो अगली थ्योरम है वो इसी की वाइस वर्सा है। ये उसी की क्या है वाइस वर्सा, कि द सम ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 180 है, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ये भी हमारा कंट्राडिक्शन से ही सॉल्व होता है, हम कह देते हैं चलो मान लो नहीं है क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अगर साइक्लिक होगा तो वो सर्कल में होगा, और अगर इसका सम 180 है तो वो भी सर्कल पे होना चाहिए, हैंस प्रूव। तो बस इसको आप थ्योरम को याद कर लें, लर्न कर लें, बाकी ये बहुत कभी पूछी नहीं जाती ये मान के चलिए, बट मालूम होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है कि अब इसी से रिलेटेड जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, पिछले टॉपिक में पिछली थ्योरम से रिलेटेड हमने एसर्शन रीजन पढ़े थे, यहाँ पर हमने दूसरे तरीके की कुछ थ्योरम्स पढ़ी हैं, उन थ्योरम्स को एक बार हम और रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात हमने बताई कि सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल होता है एनी अदर पॉइंट पार्ट ऑफ द सर्कल पर बने एंगल का। दूसरा हमने बताया एंगल इन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं। तीसरी थ्योरम थी आपके पास जो डायमीटर होता है या सेमी सर्कल मेक्स 90 डिग्री, सेमी सर्कल सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट द आइदर पार्ट ऑफ द सर्कल, या जितना भी पार्ट होता है सेमी सर्कल पर कहीं पर भी वो 90 डिग्री ही बनाएगा। चौथी थ्योरम हमने पढ़ी कि चार पॉइंट अगर हैं और वो एक तरफ बराबर एंगल बना रहे हैं तो ये होगा कि वो चारों के चारों पॉइंट साइक्लिक होंगे। पांचवी थ्योरम हमने पढ़ी कि जो आपका क्वाड्रिलेटरल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और लास्ट थ्योरम हमने पढ़ी कि अगर अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, अब हम एसर्शन रीजन पर आ जाते हैं। एसर्शन रीजन अब इसी से रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन किए हैं या और जो पहले थ्योरम्स पढ़ी थी उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर एसर्शन रीजन मिलने वाले हैं। बट अभी एसर्शन रीजन इसके हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट पर इस वीडियो के। तब तक के लिए बाय ऑल ऑफ यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।